क्या कनाडा के पास वाकई ऐसे सबूत हैं जिससे ये साबित किया जा सकता है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत की एजेंसियों ने कराई है? कनाडा का दावा है कि उसके पास ऐसी कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस है जिससे ये साबित किया जा सकता है कि कनाडा में तैनात इंडियन डिप्लोमेट का इस हत्या में हाथ था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कनाडा के पास ऐसे कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस आई कहां से? क्या कनाडा की सरकार भारतीय उच्चायोग में तैनात राजनयिकों की जासूसी करती है, उनके फोन टैप करती है, स्नूपिंग करती है? क्या कनाडा की सरकार ने उच्चायोग की बिल्डिंग में बग लगा रखा है? अगर हाँ, तो क्या ये दो देशों के बीच आपसी संबंधों का उल्लंघन नहीं है? कनाडा का दावा है कि उसके पास ह्यूमन इंट यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस भी मौजूद है। अगर ऐसा है तो कनाडा ने अभी तक भारत से ऐसे सबूत क्यों नहीं साझा किए हैं? कनाडा का दावा है कि भारतीय डिप्लोमेट से जुड़ी इंटेलिजेंस उसे 5i से जुड़े एक देश ने मुहैया कराई है। अब ये 5i क्या है? दरअसल कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने एक खास गठजोड़ बना रखा है। इन पांचों देशों ने एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयरिंग से जुड़ा एक समझौता कर रखा है। ऐसे में ये देश एक दूसरे से खुफिया जानकारी साझा करते हैं। इस खुफिया जानकारी को साझा करने के लिए इन देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियां एक दूसरे से लगातार संपर्क में रहती हैं, जैसे अमेरिका की CIA, NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और FBI। ठीक इसी तरह से इंग्लैंड की MI6 और GCHQ। ठीक उसी तरह कनाडा की RCMP यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और CISA जिसे कैनेडियन इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक उसी तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियां इस अलायंस का हिस्सा हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस अलायंस के किसी देश की खुफिया एजेंसी भारत के डिप्लोमेट्स की जासूसी करती है? क्या ये वाकई सच है या कनाडा ऐसा कहकर भारत के संबंध इन देशों से खराब करने की फिराक में है? ये बात किसी से नहीं छिपी है कि आज भारत और अमेरिका के संबंध कितने मजबूत हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत के साथ किस तरह के संबंध रखना चाहते हैं वो हम G20 समिट में देख चुके हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NSA अजीत डोवाल से मिलने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज तो PM मोदी को बॉस कहकर बुलाते हैं और उनके साथ सेल्फी के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। हालांकि न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के सुर कुछ बदले हुए नजर आए और उन्होंने माना कि भारत के साथ मिलकर खालिस्तानी आतंकी जिसे भी कनाडा का नागरिक मात्र मानते हैं हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गुत्थी सुलझाना चाहते हैं। कनाडा की मीडिया का दावा है कि कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोडी थॉमस पिछले 2 महीने में 2 बार भारत जा चुकी हैं और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी जानकारी भारत सरकार से साझा की है। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के इस दावे को एक सिरे से नकार दिया है कि भारत से किसी भी तरह की कोई जानकारी या फिर इंटेलिजेंस इनपुट साझा किया गया है। आपको यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि कनाडा के मीडिया ने ही भारत के डिप्लोमेट के खिलाफ 5i अलायंस द्वारा मुहैया कराए गए इंटेलिजेंस का दावा किया है। कनाडा ने आधिकारिक तौर से इस बात का अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है और ना ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस तरह की इंटेलिजेंस के बारे में कोई जानकारी भारत के साथ या फिर सार्वजनिक रूप से साझा की है।